हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है बीएस क्लासेस में। जी दोस्तों, एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ गई है और आप सभी भाई बहन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 छात्रों के लिए महाखुशखबरी क्या है। महाखुशखबरी यह है कि सबसे पहले टीजीटी का आपका रिजल्ट आना था, लेकिन वो थोड़ा सा विवादों में चला गया है। लेकिन उस विवाद का कोई मतलब है नहीं, आपकी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी और टीजीटी का भी रिजल्ट आएगा। लेकिन टीजीटी से पहले पीजीटी का रिजल्ट लगभग 10 से 12 तारीख के बीच में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों, ठीक जैसे ही पीजीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद आपके टीजीटी का लगभग एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरा करना है। जैसा कि इसमें टांडा का मामला है कि 600 अभ्यर्थियों ने अपना परीक्षा छोड़ दिया है, परीक्षा नहीं दिया है, तो इसके बारे में सूचना ये मिल रही है कि परीक्षा कैंसिल तो नहीं होगी, रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बारे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विचार करेगा और किस प्रकार से करेगा वो स्वयं कोर्ट को बताएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आपकी इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है और आपका रिजल्ट अब बिल्कुल शीघ्र ही आने वाला है। तो पीजीटी अगर आप अच्छे स्कोर किए हैं तो आप जो है पीजीटी की अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका जो है कॉलिंग आने वाला है। और टीजीटी स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल दिल थाम के रखिए, आपका भी रिजल्ट आने वाला है। सब मिलाकर दोस्तों, वहाँ पोह की जो स्थिति बनी थी कि मेरिट बहुत जाएगी, तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार के सभी पेपर का जो स्टैंडर्ड था, जो सभी पेपर के लेवल का स्टैंडर्ड था, काफ़ी अच्छा था, बेहतरीन था और जो लोगों ने अनुमान लगाया था उससे हट करके पेपर आया था। देखने में आसान लगा लेकिन वो पेपर आसान था नहीं, साइकोलॉजिकल था। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, अगर आप किसी भी विषय में 80 से ऊपर जा रहे हैं, खास रूप से ओबीसी के लिए 80 से ऊपर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और अगर आप जनरल हैं तो 85 से ऊपर हैं तो सेफ जोन में हैं। कुछ विषय हैं जिनको छोड़ दीजिए, उनको हम नहीं ले सकते 85 प्लस में, क्योंकि भाई उसमें मेरिट लगभग 95 से ऊपर जाएगी और 100 से प्लस भी रहने की संभावना है। तो जैसे संस्कृत का हो गया, प्राविधिक कला का हो गया, इन सारे विषयों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें स्कोर 100 प्लस जाने पर ही सिलेक्शन होगा, लेकिन बाकी जैसे आपका मैथ हुआ, साइंस हुआ और इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ये सारे जो विषय हैं इसमें आप अगर 85 हैं तो आप मान कर चलिए आप एक अपनी सीट ले रहे हैं और आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है। तो बिल्कुल अब जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अब थोड़ा सा और इंतज़ार बचा है। कुल मिलाकर के 10 से 20 दिनों के अंदर जो है आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, जो ओहा पोह की स्थिति ये सब समाप्त हो जाएगी और बहुत जल्द आप पाएंगे कि आप एक शिक्षक नियुक्त होंगे माध्यमिक इंटर कॉलेजों में। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर किया करिए। इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप सभी के प्यार और स्नेह से ये चैनल चलता है। तो बिल्कुल ये काम करें, आपका एक लाइक और आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और चैनल आपके प्रति बहुत ईमानदारी से कार्य करता है। तो दोस्तों, ये रही आज की बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए। तो एंड तक आप सभी ने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।